कोई नहीं, मैम हमारी है भाई, आपकी भी है। इस साल का जो ये बजट पास किया अपने मुख्यमंत्री जी ने, जो एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पेश किया, जो 2021 का बजट था उससे 17,915 करोड़ का इस बार जो ज्यादा बजट पेश किया, आप लोग खुद ही सोचो कि इतना बड़े स्टेट में 1700 करोड़ से क्या होगा जो आपने बढ़ाया। ये एक दिशाहीन बजट है, इससे कोई भी वर्ग खुशी नहीं हुई, चाहे आप गरीब आदमी ले लो, चाहे मजदूर ले लो, चाहे किसान ले लो, चाहे सरकारी नौकरी वालों को ले लो, और यहां तक गरीब आदमी के ऊपर जेब के ऊपर जो डीजल पेट्रोल का डाका डल रहा है वो आप लोगों के सामने है, आप भी उससे अच्छी तरह परिचित हो और आप लोगों के ऊपर भी उसका फर्क पड़ता है। मैं कुछ स्पीकर सर बताना चाहता हूं कि एक मेवात के लिए पूरे बजट में एक चार लाइन जो 2021 में बजट पास किया गया था वही लाइन है फिर दोबारा से रिपीट इसी बजट में कर दी है, जबकि बजट का मतलब यह होता है कि एक साल में वो काम शुरू कर देना चाहिए, मगर उसी लाइनों को हर साल आगे रिपीट कर दिया जाता है। जो कि नए बजट जो पेश किया है पारा नंबर 89 और जो पिछला 2021 का बजट था 170 नंबर पारा, बिल्कुल सेम लाइन लिखी हुई है कि 100 क्यूसेस पानी मेवात को दिया जाएगा, ये मेवात को लोली पेप दिया जाता है पानी का, जो हमारी एक बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हमारे ऊपर ऐसा एहसान जताता है ये हाउस कि पूछिए मत, जैसे इस देश में हमारा हिस्सा ही नहीं हो। और ऐसा ही इन्होंने एक ये कहा था कि आप लोगों के लिए मैं बताता हूं कि हॉस्पिटलों में MRI कैथ लैब्स वगैरह दी जाएंगी, वो भी जो पिछले बजट में आप लोगों ने दर्शाया था वो भी इसी में सेम रिपीट किया गया है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का बजट हरियाणा में दिया गया है मेवात में भी उसी तरह का बजट मिलना चाहिए, मेवात के लिए एक सिंगल पैसा भी नहीं दिया गया है। कोई कहे तो ये बजट आप लोगों के सामने रहा, पढ़ सकते हो कुछ तरह। सर सुनिए, सुनने का मादा रखिए, सर सुनने का मादा रखिए, इसके लिए दिया जा अलग अलग थोड़ी दिया जा। बाकी मैं ये कहता हूं जिस तरह से नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सचर समिति की रिपोर्ट के अनुसार मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना था, उसके लिए आप लोगों को अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए ताकि मेवात भी और जिलों 21 जिलों के साथ बराबर ऊपर आ सके, मेरी आप लोगों से विनती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ प्री बजट से पहले हमसे डिमांड मांगी थी जो 17/1/2021 को कि आप लोग अपने सुझाव दीजिए, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं एक भी सुझाव इस बजट में नहीं डाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं मेवात की बात करता हूं आपसे, ये बताएं आप कि मैंने यूनिवर्सिटी की मेवात में बात की, लेकिन मैं देख रहा था बजट में शायद हो सकता है कि मेवात को यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, बहुत ही निराशा हाथ लगी। हमने मेवात के लिए एक रेलवे लाइन की भी बहुत पहले से मांग कर रहे हैं, जब आप मानेसर खरकोटा दिल्ली और हरसाना को जोड़ने की बात करते हो तो गुड़गांव सोना वाया नहु अलवर को जोड़ने की क्यों बजट में बात नहीं की जाती। अन्य रेलवे के और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था, लेकिन मेवात को यहां भी छोड़ दिया गया। मैं बार बार कहता हूं कि मेवात में कोई यूनिवर्सिटी के साथ साथ ना तो जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां कोई सेक्टर है, जो मैंने सुबह क्वेश्चन भी लगाया था, जब जिस शहर में सेक्टर नहीं होगा, 2005 में हमारा जिला बना था तो उस जिला कैसे अपग्रेड करेगा, कैसे उन्नति करेगा, ना वहां कोई सिंथेटिक ट्रैक है जो बच्चे पैरामेडिक फोर्स वगैरह में जाते हैं उसमें भर्ती होते हैं, कोई ऐसा खेल स्टेडियम में नहीं है जहां बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। मैं सोच रहा था ये बजट में सब चीज आएंगी मेवात के लिए, लेकिन सब चीज से वंचित रहा। मैंने पानी की बात कही कि चंगुन गांव हमारे टेल पर लगते हैं नगीना ब्लॉक में, मैं सोच रहा था कि इसमें भी बजट में कुछ आएगा कि जो हम 800 से लेके 1000 तक का टैंकर का पानी खरीद के पीते हैं शायद उससे छुटकारा मिल जाएगा, नहीं मिला उससे भी हमें। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे क्षेत्र फिरोजपुर जिरका में पंचायत पे 2000 एकड़ लैंड के आसपास है,
कि आप वहां हमारे बच्चों के लिए रोजगार मिल जाएगा टैक्स फ्री। कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया लगा दिया जाए तो देखो उससे पर के पीटा वहां की बच्चों की इनकम भी बढ़ेगी। मैंने ये भी प्रावधान किया था मुख्यमंत्री से, और मैंने एक और मांगा था फॉर इंडिया। मैं पर्सनली मुख्यमंत्री जी के पास गया था कि मुख्यमंत्री जी नहों से लेकर राजस्थान बॉर्डर का 51 किलोमीटर का ये रोड है फोर लेन का, जिसमें डेली मौत होती है। आज भी सुबह 8:30 एक नौजवान साथी आज भी एक्सीडेंट होकर मर गया, लेकिन उसका भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे से यह आश्वासन दिया था कि मैं इसको अभी तो सर मैं 6 पे तो बोला हूँ जी, 5 मिनट हुए मेरे, 5 मिनट क्यों खा रहे हो? नहीं सर अभी बोलने दो प्लीज, 10 ममिनट सर। नहीं नहीं फिर दो तीन पॉइंट तो मैंने उसके मुझे उम्मीद थी कि नहीं दिया गया। मैंने जिम खाना क्लब के लिए भी रिक्वेस्ट की थी और एक ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी रिक्वेस्ट की थी कि मेवात में ड्राइवर्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, कि यहाँ ये एक ट्रांसपोर्ट नगर खुल जाए तो लोगों के लिए रोजगार और भी मिलेंगे। और मैंने एक बस स्टैंड की भी बात की थी, बड़कली एक सेंटर पॉइंट है जो अलवर को भी राजस्थान को भी जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता है, कि इसको भी इसमें लिया जाए। और एक हॉस्पिटल्स में मैंने एक दरखास्त की थी कि ना तो हमारे पास यहाँ अल्ट्रासाउंड है, ना सोनोलॉजिस्ट है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, इसका भी इसमें प्रावधान रखा जाए, क्योंकि हमारा इलाका बहुत गरीब है, यहाँ कैंसर और न्यूरो सर्जन की फैसिलिटीज कोई नहीं है, जो हमारा ये शहीद हसन का मेवाती कॉलेज है, तो इसका भी प्रावधान किया जाए। लेकिन कोई भी कुछ नहीं सुना गया। एक मैंने कट मांगा था इस पे खानपुर घाटी पर, कि जो हमारा बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे जो बिल्कुल बड़कली के नजदीक है, लोगों के लिए यहाँ बिजनेस मिलेगा, और ये इस पे एक हमें कट दिया जाए, लेकिन नहीं सुना। और नहीं बस हो गया सर, टाइम तो मेरा भी बच रहा है, जो भी 6 मिनट हुई है जो भी मेरी 7 मिनट अभी। मैंने हमारे शिक्षा मंत्री जी शायद उठ के चले गए, पिछले बजट में मैंने बात कही थी, नहीं सर 10 मिनट सर ऐसे सुभाष जी, तो उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ 80% स्कूलों में अध्यापक नहीं है। अभी अभी मैं खबर पढ़ रहा था, ये शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार ने फैसला लिया कि 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूल इस क्षेत्र में बंद कर दिए जाएंगे, साथ में मेवात के भी 56 मिडिल स्कूल जो अपग्रेड किए थे उसको भी बंद कर दिया जाएगा। ये बताओ ये बजट कहाँ आपको सूट कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता ये कि बजट बहुत ही दिशाहीन है। एक गांव शाकरस है, धन्यवाद, 30,000 से ज्यादा संख्या है। मैंने इस बजट में उम्मीद लगाई थी कि 30,000 के लिए एक पीएचसी बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ एक पीएचसी खुल जाए, हो गया, मगर कुछ भी नहीं किया इस बजट। धन्यवाद। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा 5-5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, 2021-22 के एक बात बोलने दो। पहलवान है जी, बहुत अच्छा रेसलर है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है, उसको भी मेरी मुख्यमंत्री मेरी बात सुन रहे हो तो उसको पुलिस में लगा दिया जाए तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया होगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।